हमारा एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है प्रेपोजिशन पे। प्रेपोजिशन कैसे सिखानी है अपने बच्चे को, आज मैं आपको एक इतनी अच्छी एक्टिविटी बताऊंगी ना, उसके जरिए आप अपने बच्चे को प्रेपोजिशन सिखाएंगे विद द टॉयज। टॉयज के जरिए हम कैसे प्रेपोजिशन सिखाएंगे बच्चे को, किस तरीके से समझाएंगे। ये जो मेरा वीडियो है ये नॉट फॉर द किड्स, बल्कि जितने भी बड़े बच्चे भी है ना, जो उसमें आप 5 क्लास में हैं, 4 में हैं, 3 में हैं, 2 में हैं, उससे अबव हैं, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि इन, ऑन, अंडर, ऑफ, ये सब का क्या करना है, बिहाइंड आ गया, इन फ्रंट ऑफ आ गया, बिटवीन आ गया, अबव आ गया, नियर आ गया, बिसाइड्स आ गया, तो उन सब को हमने कैसे करना है, तो ये उसके लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आपने सिंपल बच्चे को क्या, सबसे पहले जो छोटा बच्चा है, जैसे कि हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं छोटे बच्चे से, जो बिगनिंग में है बिल्कुल, जिसको हमने ABC और उसके सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, फोनिक्स सिखाए हैं, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट बताए हैं, उसके बाद हम लोग ने उसको प्रेपोजिशन कैसे बतानी है, हमने उसको बताना है इन, ऑन और अंडर का कॉन्सेप्ट उसको हमने किस तरीके से देना है। सबसे पहले हम लोग इन से स्टार्ट करेंगे। इन से हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, हम बच्चे को बताएंगे कि कोई भी चीज अगर किसी के अंदर हो, आप उसको चलते फिरते एग्जाम्पल्स दें। एग्जाम्पल्स कैसे दें, जैसे कि आप ये वाला, मैं इस बुक के जरिए इस बच्चे को सिखाऊंगी कि देखो अगर ये पेन इसके ऊपर है तो ये क्या है, ऑन, और अगर ये इसके अंदर है तो क्या है, और अगर ये बिल्कुल इसके नीचे है तो अंडर। यस, अंडर, ऊपर है तो ऑन, अंदर है तो इन, और नीचे है तो अंडर। आपने इस तरीके से बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं। आप उसको क्या करें, आपके घर में कोई चेयर है तो उसके ऊपर कहो कि अगर आप इसके ऊपर बैठे हो तो आप क्या हो, ऑन द चेयर हो, और उसके अलावा उसके नीचे चले गए तो अंडर चले गए। इस तरीके से आप बच्चे को सिखाएं। डब्बा ले लें, एक भी कोई भी बॉक्स लें, बॉक्स के अंदर आप बच्चे से कहो कि इसके अंदर आप जाओगे तो क्या होगा, इन होगा। उसके अंदर एक बॉक्स लें, बॉक्स के अंदर टॉयज डाल दें, बोल दो कि मैं क्या करूँ, इन द टॉयज जो है ये इसके अंदर जा रहे हैं तो इन जा रहे हैं। तो आपने इस तरीके से बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट देना है विद द टॉयज, विद द एवरीथिंग जो आपके अराउंड में है, आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें अवेलेबल हैं उसके जरिए सिखा सकते हैं। कुछ नहीं तो आप एक पिक्चर ले लें। अब जैसे कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप क्या करें कि बच्चे को आप बता सकते हैं कि देखो ये पिक्चर में जो कैट है वो क्या कर रही है, अंडर है इस तरीके से, और ये जो माउस है ये कहाँ है, डस्टबिन के इन है, और जो बॉय है वो सिटिंग ऑन अ चेयर। इस तरीके से आप बच्चे को कोई भी पिक्चर ले ले, इवन तो आप अपनी पिक्चर ले सकते हैं, अपनी जो आपकी फैमिली पिक्चर को इस तरह की है जिसके जरिए आप बच्चे को सिखा सकते हैं, आप वो पिक्चर ले लें, उसके जरिए आप बच्चे को बता सकते हैं कि इस तरीके से हमने इन, ऑन, अंडर जो है बच्चे को सिखा दिया। उसके बाद हमने बच्चे को और कॉन्सेप्ट देना है, और कॉन्सेप्ट हमने बच्चे को देना है वो है बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन। अब देखिए, अब हमने बच्चे को क्या किया कि हमने एक बॉल ली, बॉल लेने के बाद टेडी बियर ले, मेरे पास ब्लू ही है, बच्चों का फेवरेट, आजकल बच्चों को ये बहुत पसंद है। अब आपने क्या किया, बच्चे को कहा कि अगर ये इसके बिल्कुल सामने बैठा है, ये बॉल है और इसके सामने बैठा है ब्लूई, तो क्या है, इन फ्रंट ऑफ, क्या है, इन फ्रंट ऑफ, और अगर इसके पीछे बैठा है ब्लूई, बॉल के पीछे बैठा है तो क्या आएगा, बिहाइंड, बिहाइंड। अगर बॉल के पीछे बैठा है ब्लूई तो क्या है, बिहाइंड, और अगर सामने बैठा है तो इन फ्रंट ऑफ, और अगर लुई टू बुक्स के दरमियान में बैठा है और उसके दरमियान साइड पे, दोनों साइड पे बुक्स हैं तो क्या होगा, बिटवीन, क्या होगा, बिटवीन। और अगर ब्लूई इससे ऊपर, इतनी इंच ऊपर है तो क्या होगा, ये अबव द बॉल, अबव द बॉल। अगर ब्लूई बॉल के बिल्कुल साथ बैठा है तो हम उसे बोलेंगे बिसाइड, बिसाइड, और अगर ब्लूई इसके पास बैठा है और बॉल थोड़ी सी दूर है तो क्या बोलेंगे, नियर, क्या कहेंगे, नियर।
नियर द बॉल और बिल्कुल साथ बैठा है तो बिसाइड द बॉल, पीछे बैठा है तो बिहाइंड द बॉल, सामने बैठा है तो इन फ्रंट ऑफ द बॉल, ऊपर है तो अबव द बॉल। और अगर दो बॉल्स के या दो बुक्स के दरमियान में है तो क्या बोलेंगे? बिटवीन। इस तरीके से आपने बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट देना है प्रेपोजिशन का। आई थिंक इस तरीके से बच्चा जो है वो इतने अच्छे तरीके से सीख जाता है कि आपको उसको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये कोई बड़ा बच्चा भी तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने चलते फिरते आपने बच्चे को, मतलब आप बच्चा बैठा हुआ है ना चेयर के ऊपर बैठा है, चेयर के साइड पे बैठा है, चेयर के पीछे बैठा है, अब उसके सामने कोई चीज रखी हुई है तो आप उसे पूछ सकते हैं कि आपके सामने है तो उसे हम क्या कहेंगे? इन फ्रंट ऑफ। क्यों? बच्चे को चलते फिरते पढ़ाते हैं ना तो इजीली पढ़ लेता है, उसको स्पेशल लेके बैठते हैं ना उसको रट्टा लगवाते हैं तो उसका मिक्सअप हो जाता है। आप लोग क्या करें, उसे पहले तीन चीजें समझाएं, इन ऑन अंडर। आपने ये तीन चीजें उसको समझा ली, उसके बाद आपने क्या करना है बच्चे को, उसके बाद आपने बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, इन तीन का कॉन्सेप्ट दें, फिर अबव, नियर और बिसाइड इनका कॉन्सेप्ट दें। उसके बाद हम लोग उसमें और चीजें ऐड करते जाएं, ऑफ आ गया, एट आ गया। तो आपने इसी तरीके से इन्हीं टॉयज के जरिए और इन सब चीजों के जरिए बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट देना है। छोटी क्लास को, बड़ी क्लास को ये बॉदर नहीं करता, उसको रट्टा लगवाने की बजाय हमने उसको टॉयज के जरिए और आपके जो घर में चीजें अवेलेबल हैं उसको रूटीन लाइफ की जो चीजें हैं उसके जरिए हमने उसको ये चीजें सिखानी है विद द स्पोकन। उसको हमने बोल बोल की चीजें हमने उसको सिखानी है और कोशिश करनी है कि हम ये चीजें यूज करें। तो आपने इस तरीके से बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है। छोटा बच्चा है तो उसको उसकी टॉयज के जरिए तो बहुत आसानी से आप उसको ये दे सकते हैं और उसे पूछ सकते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लेगा और याद कर लेगा। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि हमारा चैलेंज चल रहा है कि हमने बच्चे को 8 स्टेप्स में बच्चे को उसको रीडिंग राइटिंग की तरफ लेकर आना है।